हेलो गाइज, वेलकम टू द चैनल मैथ्स कंसेप्ट अकेडमी। मेरा नाम रवि, मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूँ। तो आज एक बहुत ही बड़ा इशू है मैं जो आपके सामने लेके आ रहा हूँ, जो कि कल एक सब्सक्राइबर से बात करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि इसके बारे में मुझे बताना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो, मैं कह रहा हूँ मिड 2022 तक वैकेंसी आएगी, ठीक है ना। जून हो सकता है, जुलाई हो सकता है, मई हो सकता है, ठीक है ना। कई और हैं जो बहुत ही शार्प हैं, वो कह रहे हैं कि मार्च अप्रैल में आएगी, सॉरी मार्च तक आ जाएगी, ठीक है ना, या मार्च अप्रैल, ठीक है। और फिर कोर्स लॉन्च कर दिया है, ठीक है। तो मैं आपसे बस एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ और उस चीज़ का मैं एक लॉजिकल तर्क दूंगा और आप सोचना और अपनी बुद्धि से इस्तेमाल करना, ठीक है ना। आपको ही पता है कि किसी भी प्रिपरेशन में, चाहे कोई भी प्रिपरेशन हो, उसमें सबसे वाइटल, सबसे ज़रूरी जो हिस्सा होता है वो होता है आपकी सेल्फ प्रिपरेशन का या फिर सेल्फ स्टडी का, ठीक है ना, कि आप अपने आप खुद कितना समय दे रहे हो उस सब्जेक्ट को, ठीक है ना, ये मानते हो आप, ठीक है ना। क्योंकि जब हम खुद किसी सब्जेक्ट को समय देते हैं तब हमें पता चलता है कि एक्चुअल में हमारे अंदर क्या कमी है और क्या है, ठीक है। तो जितने भी इंस्टीट्यूट हैं जो पेड कोर्स लॉन्च कर चुके हैं, ठीक है ना, या फिर करने वाले हैं, मैं मना नहीं करता, आपको जो करना है वो करो। ऐसा तो नहीं है कि मैं कह रहा हूँ मेरा वाला करो, मैं बस एक पर्सनल सजेशन दे रहा हूँ जो कि मैं देना चाहता हूँ। कल सब्सक्राइबर से बात करने के बाद मुझे ऐसा लगा, सजेशन ये है और इसका तर्क भी बताऊंगा कि आप लोग जब तक रिक्रूटमेंट नोटिस ना आए, सुनते रहना मैं क्या कह रहा हूँ, जब तक रिक्रूटमेंट नोटिस ना आए तब तक आप लोग कोई भी कोचिंग या पेड कोर्स ज्वाइन ना करें। इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि नोटिस नहीं आएगा, ठीक है ना। रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ज़रूर आएगा, ठीक है ना, और वो दिए हुए समय अनुसार ही आएगा, ठीक है ना। लेकिन जब तक कोई भी कोचिंग या कुछ भी ज्वाइन ना करे, अब आप लोग मुझसे पूछ सकते हो कि सर अगर आप ऐसा कह रहे हो तो क्या हम रिक्रूटमेंट नोटिस आने के बाद जो 2 या 3 महीने होंगे उसमें तैयारी कर सकते हैं। मैंने कहा एक आइडियल प्रिपरेशन करने के लिए 4 से 5 महीने लगते हैं, 4 से 5 महीने में आइडियल प्रिपरेशन होती है और उसमें सिलेक्शन मिल जाता है, ठीक है ना। लेकिन ये 4 से 5 महीने कोचिंग के नहीं होते, 4 से 5 महीने पूरे होते हैं, ठीक है ना। तो शुरू के अभी 2-3 महीने जो है ये आप अपना सेल्फ प्रिपरेशन करो और सेल्फ स्टडी, और इसमें करो क्या, जो सब्जेक्ट्स आपको आते हैं या जो आपको लगता है आप कर सकते हो, या फिर जिनके टीचर आपको फ्री में यूट्यूब में पूरा कंटेंट देने के लिए अवेलेबल है, उनसे वो सब्जेक्ट कवर करते रहो। और जिस दिन रिक्रूटमेंट नोटिस नोटिफिकेशन आएगा उस दिन आप कोई पेड कोर्स ज्वाइन कर लो, या किसी, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती लेकिन फिर भी कोई कोचिंग ज्वाइन कर लो और फिर अपनी पढ़े हुए को बूस्ट करो, ठीक है ना। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, सुनना। ऐसा जब आप करोगे ना, पहली बात तो ये कि आधे भगवान तो गायब हो जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि आधे भगवान इसीलिए आपके सामने आ रखे हैं क्योंकि सारा खेल व्यापार का है, ठीक है ना। अब कोई कह देगा फरवरी में स्टाफ बैच नोटिफिकेशन आने वाला है तो आप लोग ज्वाइन करोगे, ठीक है ना, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। आएगा अपने टाइम पे जो मैंने कह रखा है, ठीक है। मैंने क्या, जो ट्रैक है या फिर जो डिमांड है उस हिसाब से बता रहे हैं, ठीक है ना। और सेल्फ स्टडी सबसे पहले करो, और जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा उस दिन आप कोई पेड कोर्स ज्वाइन कर लेना या फिर कोई भी कोचिंग या कोई भी सर को फॉलो करना, वो आपको अपडेट करेंगे। लेकिन मैं बार बार कह चुका हूँ कि सबसे ज़रूरी है कि आप कितना समय दे रहे हो उस सब्जेक्ट को, ठीक है ना। और ये सभी के लिए है, KVS PRT के लिए भी, KVS TGT के लिए भी और KVS PGT के लिए भी, ठीक है ना। लेकिन बाकी बातें समझने की, ठीक है ना। तो प्रिपरेशन करते रहो, बहुत जल्द मौका मिलेगा, और इसके बाद मौका कम से कम 3 या 4 साल तक नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो जिनका पास ये मौका है वो इसका पूरा फ़ायदा उठाएं, क्योंकि ये हो सकता है आपके लिए लास्ट हो। आपके लिए लास्ट हो मैं ऐसा क्यों कहता हूँ, हो सकता है आप उस एज लिमिट से बाहर निकल जाओ, हो सकता है आपका समय उस हिसाब से ना रहे कि आप तैयारी कर सको। इसीलिए इट्स डू और डाई। ओके, थैंक यू।